इन सात गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उनमें से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हालांकि यह सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार होने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़े कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है, इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दें। नंबर एक, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो, आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर दो, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर तीन, कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु के अनुसार यह अशुभ होता है, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर चार, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं, इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर पांच, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिससे घर में पूजा नहीं की जाती उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा करने बहुत जरूरी चाहिए। नंबर छः, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर सात, मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भाले नहीं लगाने चाहिए, इससे परिवार का सदस्यों के बीच संघर्ष तनाव बढ़ता है। नंबर आठ, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वह हमेशा फ्रेश रहें। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती है। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए, बाहर से आने वाले को झाड़ू नजर ना आए। नंबर 12, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियां के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता पालन नहीं होता है वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने से मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम की पूरी अनदेखी करता है उसके यहाँ से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वह हमेशा फटेहाल बना रहता है। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी अपनी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, अगर आप अपने कपड़े चप्पल जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत नाराज होती है जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो जाती है। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा कांच कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति भी आ सकती है। नंबर 19, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस धर्म में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे किचन पार्टनर्स TM चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।